नमस्कार साथियों, लद्दाख के अंदर चल रही है एक बड़ी प्रोटेस्ट, और ये प्रोटेस्ट ताजा नहीं है, ये काफी पुरानी प्रोटेस्ट है। जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर से 370 और 35 ए आर्टिकल हटाए गए थे, उसके बाद में लद्दाख को और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को अलग किया गया था। लद्दाख के लिए तो यहाँ पर विधानसभा नहीं बनी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पर विधानसभा बनाई गई थी। वही सोनम पोनचुक ने कुछ मुद्दे अपने सरकार के सामने रखने की कोशिश किए हैं। वो मुद्दे क्या है? पहला तो है पूर्ण राज्य का दर्जा, दूसरा उनका मुद्दा है सिक्स शेड्यूल में उनके जो आदिवासी ट्राइब है उनको स्थान मिले, तीसरा जो उनका मुद्दा है स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले, जो स्थानीय लोग हैं उनको ही सरकारी नौकरियों में रखा जाए। जो उनका चौथा पॉइंट है वो है कारगिल और लेह के लिए MP नियुक्त किया जाए और वो लोकसभा के अंदर जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर एक से, वो है इनका पूर्ण राज्य का दर्जा। जिस तरीके से यहाँ पर गवर्नर नियुक्त किया जाता है यहाँ पर लद्दाख के लिए, और यहाँ पर IAS ऑफिसर भी नियुक्त किया जाता है लद्दाख के लिए, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि इस तरीके से गवर्नर और IAS ऑफिसर बाहर से न आए, क्योंकि जब वो लद्दाख में जाते हैं तो वो काफी टाइम बाद उनका माहौल अडोप्ट कर पाते हैं और जो उनकी कम्युनिकेशन है उन लोगों के साथ अच्छी नहीं रह पाती। जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय लोग अपनी बात को रखने के लिए गवर्नर साहब के सामने जाते हैं और उनका जो बात रखने का तरीका है वो काफ़ी डिले हो जाता है। इसी तरीके से IAS ऑफिसर्स भी हैं जो बाहर से यानी कि अदर इंडिया के पार्ट से आते हैं लद्दाख के अंदर, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो माहौल है, एटमोसफियर है, वो अडोप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ डिले हो जाती है उनके काम में। और यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा और भी बहुत सारी मांगे हैं। जिस तरीके से किसी स्टेट को हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हैं तो वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ का मुख्यमंत्री उसको लीड करता है, वहाँ के पूरे कानूनी व्यवस्था बनती है, वहाँ के लिए लॉज बनते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है सारे का सारा राज्य के द्वारा संभाला जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की इस तरीके से यहाँ पर लद्दाख में चला हुआ है तो लद्दाख के जो निवासी हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर बाहर का व्यक्ति यहाँ रूल ना करे, यहीं का कोई लीडर नियुक्त किया जाए जिससे लद्दाख का जो तरक्की करने का रास्ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और यहाँ का जो कल्चर है, एटमोसफियर है, यहाँ का जो वातावरण है वो खराब न हो। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा पॉइंट, जिस तरीके से यहाँ पर मांग की जा रही है कि भाई इनको सिक्स शेड्यूल में रख दिया जाए, जिस तरीके से यहाँ पर आदिवासी जनजाति है और यही सिक्स शेड्यूल में रखने की बात कर रही है, जिस तरीके से पूर्वोत्तर में आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ के जो आदिवासी ट्राइब्स हैं उनको रखा जाता है सिक्स शेड्यूल में, तो यहाँ के लोग भी मांग कर रहे हैं कि लद्दाख के जो निवासी हैं उनको भी सिक्स शेड्यूल में रखा जाए। जिस तरीके से यहाँ पर आर्य ट्राइब रहती है, काफ़ी पुरानी ट्राइब है और भारत के अंदर ये आर्य ट्राइब काफ़ी लंबे समय से रह रही है, तो यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो यहाँ पर पुराने कल्चर है, रीति रिवाज है और पुराने इनके नियम कानून हैं उनको बनाए रखने के लिए यहाँ पर इनको सिक्स शेड्यूल के अंदर रखा जाए और लद्दाख के निवासी जो हैं, जो आदिवासी ट्राइब है, वो अपने तरीके से नियम कानून बना सके। यानी यहाँ पर जो आदिवासी रूल रेगुलेशन है, इनके नियम कानून है, वो एक तरीके से यहीं के फॉलो करे जाए। बाहर का कोई व्यक्ति आता है इनके नियम कानूनों से कोई कुछ भी छेड़छाड़ करता है तो इस तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्पीसीज में मिलते हैं, यहाँ पर अलग तरीके के जानवर हैं, पशु पक्षी है, और यहाँ का जो पानी है काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। जिस तरीके से यहाँ पर कैलाश पर्वत है और कारगिल पर्वत है, तो रेंज है ये काफ़ी नेचुरल है। इनको सिक्स शेड्यूल में इसीलिए रखने की मांग की जा रही है जिससे यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ के जो रीति रिवाज है, यहाँ के जो पुरानी परंपरा है, त्यौहार मनाने की परंपरा है, उन सभी को बचाया जा सके सिक्स शेड्यूल के अंदर रख के। वहीं इनका जो थर्ड पॉइंट है वो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण। जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर UPSC और UPPCS के माध्यम से जो बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सेलेक्ट होते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं और फिर UPPCS के भी DM, SDM वगैरह बनते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लद्दाख के निवासी मांग कर रहे हैं कि इनको आरक्षण मिले सरकारी नौकरियों में, जिससे यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो वातावरण है, वो इन लोगों ने अडोप्ट कर रखा है पहले से ही, जगह जगह की ये नॉलेज रखते हैं और यहाँ पर काम करने में
इनको इजी हो और जो इनके स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पर नौकरी मिल सके। तो इस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए नौकरी की बात की जा रही है, मेडिकल में बात की जा रही है, टीचर में बात की जा रही है और जितने भी PCS लेवल के जो यहाँ पर परीक्षा होती है उनके अंदर आरक्षण की मांग की जा रही है। चौथे पॉइंट में ये कह रहे हैं कि लद्दाख और कारगिल के लिए एक एक MP जो है यहाँ पर मनोनीत किया जाए लोकसभा के लिए। जिस तरीके से वर्तमान में लद्दाख के लिए केवल एक ही MP मनोनीत किया जाता है, तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि MP की जो सीट है वो बढ़ाई जाए, जिससे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार ज़्यादा मिल सके, डेवलपमेंट की ज़्यादा बात की जा सके, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ के जो ग्लेशियर है उनके ऊपर बात की जा सके, यहाँ के जो पर्यावरण, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं उनके बारे में बात की जा सके। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है, इस इंडस्ट्रियल एरिया से यहाँ का वातावरण काफ़ी दूषित हो सकता है, जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष को जो पानी यहाँ से मिलता है, जिस तरीके से यहाँ पर हिमालय से और लद्दाख से होते हुए पूरे भारत को पानी मिलता है, वो सिंचाई के रूप में हो चाहे पीने के लिए हो, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा यदि यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई गई। और ज़्यादा इंडस्ट्री लगाने की वजह से पानी ज़्यादा पिघलेगा और यहाँ पर बाढ़ आने के खतरा भी हो सकता है पूरे भारत में। और जब ये बाढ़ आ जाएगी तो वहाँ का जो पानी है वो सभी सूख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार इंडस्ट्री को बढ़ा दिया जाएगा। तो ये MP MLA अपनी मांग रख सकते हैं। यहाँ पर विधानसभा भी नहीं है, विधानसभा के लिए भी यहाँ पर मांग की जा रही है सोनम वंचू के द्वारा, लद्दाख के निवासियों के द्वारा। और ये मांग लगभग 2019 के बाद में 20, 21, 22, 23 और अब 24 में यहाँ पर अनशन रखा जा रहा है सोनम वंचू के द्वारा। 21 दिन का आमरण अनशन इनके द्वारा रखाया जा रहा है, जिसमें लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि माननीय सरकार को इनके मैनिफेस्टो के द्वारा ये बातें याद दिलाई जा सके। जो मैनिफेस्टो में ये बताया गया है कि भाई इनको 6 शेड्यूल में रखा जाए, इनके लिए MP और MLA की व्यवस्था की जाए, इनके लिए आरक्षण की बात की जाए नौकरियों में, और इनके लिए आरक्षण की बात की जाए आदिवासी ट्राइब्स के लिए। तो ये जो सोनम वंचू जी है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी लद्दाख के सपोर्ट में कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि लद्दाख हमारे हाथ से निकल गया तो ये फिर चीन के साथ जाके मिल सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है लगातार लद्दाख को, वही पानी यदि आप चाहते हैं तो लद्दाख के ऊपर निगाह टिकी रहती है, क्योंकि यदि आप ज्योग्राफी लेवल से देखेंगे तो यहाँ पर जो कैलाश पर्वत है, जो यहाँ पर कारगिल एरिया है, आपको बता दें कि जिस तरीके से कारगिल के लोगों ने काफ़ी योगदान दिया था यहाँ पर भारतीय सेना को, जिसकी वजह से कारगिल पर यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली थी भारतीय सेना ने, और हम गर्व करते हैं कि भाई हमारी सेना ने कारगिल विजय किया था। तो यहाँ पर लद्दाख के जो निवासी है इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी उस समय, तो क्या हमें नज़रअंदाज करके चलना चाहिए लद्दाख को? आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो अभी तक व्यक्ति सो रहे हैं लद्दाख के विषय के ऊपर, उन लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों का दायित्व बनता है कि लद्दाख को बचाएं। लद्दाख से पानी मिलता है, लद्दाख से पर्यावरण का संरक्षण मिलता है, और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो लद्दाख से हमें लगातार मिलती है। लद्दाख हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए जीवन के लिए पानी। तो इसी तरीके से इस वीडियो का अंत करते हैं, मिलते हैं नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जो अभी तक सो रहे हैं लद्दाख के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।